हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब, और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं और वो भी पुराना लैपटॉप, लेकिन आप लोग कंफ्यूज है कि पुराने लैपटॉप लेने के टाइम में आपको क्या चीजें ध्यान देनी होती है और आपको पुराना लैपटॉप किस रेंज में मिल सकता है, और पुराना लैपटॉप लेने के टाइम में आप जब लैपटॉप ले रहे होंगे तो किस टाइप से आप लैपटॉप को चेक कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप की जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है, कहीं आप पुराने के चक्कर में आपका जो पैसा है वो डूब ना जाए और आपको एक खराब लैपटॉप मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको दूंगा पूरी जानकारी, पुराने लैपटॉप लेने के टाइम में आपको किस किस बातों का ध्यान देना है और कौन सा लैपटॉप आपको किस प्राइस में मिल सकता है। एक एवरेज प्राइस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, अभी जिस शॉप पे मैं आया हूँ वो है झारखंड के हजारीबाग में दुर्गा कंप्यूटर के नाम से, यहाँ पे बाबू चौक है, वहाँ पे आपको ये दुकान मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हर तरह का लैपटॉप यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लैपटॉप के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। HP का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, और भी सारे यहाँ पे कंपनी ब्रांड कंपनी के आपको लैपटॉप मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल नए कंडीशन में, कहीं से भी डैमेज आपको नहीं मिलेगा। जब भी आप पुराना लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी यूज्ड लैपटॉप है, मीन्स किसी ने ऑलरेडी इसे 3-4 साल अच्छे से यूज़ किया है, उसके बाद आप परचेस करने वाले हैं। तो अभी मैं एक लैपटॉप यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। जैसे कि अभी मैं किसी के लिए लैपटॉप लेने के लिए आया था, तो ये लैपटॉप मैंने सेलेक्ट किया है अभी। और ये लैपटॉप आप जो देख रहे हैं, इसका मॉडल है 7480, 8 GB रैम है, 250 SSD के साथ है, और i5 6th generation है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ही कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इंटेल i5 6th generation है, 8 GB रैम है, और ये मुझे मात्र 13,500 रुपये में पड़ा। काफ़ी अच्छा प्राइस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर स्टार्टिंग में कुछ लैपटॉप या कोर्स, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, और आपके पास बजट नहीं है कि आप 50-60 हज़ार का लैपटॉप ले, तो आप पुराने लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। और लोगों का जो क्वेश्चन रहता है कि पुराने लैपटॉप लेने के टाइम में उनको किन बातों का ध्यान देना है, सबसे पहली चीज़, अगर आप जो लैपटॉप ले रहे हैं तो आप कौन सी कंपनी का लैपटॉप ले रहे हैं, ब्रांड कंपनी का ही लैपटॉप ले अगर आप पुराना लैपटॉप ले रहे हैं तो। और लैपटॉप लेने के टाइम पे आपको चेक कर लेना है कि उस लैपटॉप का बैटरी बैकअप कैसा है, कंडीशन कैसी है लैपटॉप की, और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो काफ़ी सारे टूल्स आते हैं जिससे आप अपने लैपटॉप को चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे LCD टेस्ट का एक टूल्स बना हुआ है, साथ में बैटरी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बैटरी भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी बैटरी की कैपेसिटी क्या है और परफॉर्मेंस किस टाइप से है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको छोटी छोटी टूल्स मिल जाएगा, टूल्स का नाम मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कौन सा टूल्स आपके लिए हेल्पफुल होगा जब भी आप अगर पुराना लैपटॉप लेते हैं तो। ओल्ड लैपटॉप जब आप लेते हैं तो आपको इसमें ब्रांड न्यू लैपटॉप की तरह परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ किया हुआ लैपटॉप रहता है, तो कुछ ना कुछ आपको इसमें दिक्कत ज़रूर मिलेगी। वो किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो आपको बिल्कुल भी पुराने लैपटॉप के साथ कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, और आप पुराने लैपटॉप को भी आराम से 3-4 साल यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई ब्रांड का लैपटॉप लेते हैं जैसे डेल का और HP का, क्योंकि इनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी ओल्ड लैपटॉप से रिलेटेड जानकारी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।